कस्टम विभाग ने ट्रक पर लदी इंडोनेशियाई सुपारी पकड़ी, जिसकी कीमत 85 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम अधिकारियों के अनुसार सुपारी गुवाहाटी से नई दिल्ली भेजी जा रही थी। ट्रक का नंबर हरियाणा का है। कस्टम ने सुपारी को ट्रक समेत सीज कर दिया है। इस संबंध में कस्टम के उपायुक्त राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि विदेशी सुपारी तस्करी के जरिए भारत में लाई जाती है। ये भारतीय सुपारी के मुकाबले सस्ती होती है। विदेशी सुपारी की तस्करी से सालाना करोड़ों की चपत देश में लगती है। सुपारी लदा ये ट्रक तेनुआ टोल प्लाजा से पकड़ा गया है। गोरखपुर कस्टम में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 12 करोड़ से ज्यादा की विदेशी सुपारी जब्त हो चुकी है। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए कस्टम के उप आयुक्त राकेश श्रीवास्तव ने कहा, इसमें मांगा जा रहा है कि इसमें जो है, क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब इस चीज़ के लिए काफ़ी मतलब वो हैं कि किसी भी तरह से इसको जो पढ़ते हैं या कुछ जहाँ से इसका कंसाइनमेंट को भेजा जा रहा है, जहाँ से जहाँ के लिए भेजा जा रहा है, तो वहाँ जब भेजा जाता है फॉलोअप के लिए और चेयर पे बैठ के और वहीं पे जो इन्वाइस कार्ड दे रहा है। तो ये फॉलोअप रिपोर्ट इससे पता चलता है कि जो कंसाइनर है वो फेक है, मतलब भेजने वाला है वो फेक है। और तो ये गोदाम के बारे में पूछा गया तो कि मतलब वहाँ पे गोदाम क्यों बनाया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि इसलिए कि आसाम में लोग कहते ही हैं कि यहाँ आसाम में सुपारी होती है, तो उसकी बोरों में भर के उसमें रख देते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारी इंडियन सुपारी है, इसी के बीच में मिक्स कर देते हैं। अचानक शाम को सूचना मिली कि कुछ बॉर्डर की तरफ से सुपारी आ रही जो कि एंटी इंडियन ओरिजिन नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक टीम गठित की श्रीमती राधिका त्रिपाठी सुपरिंटेंडेंट के नेतृत्व में, और वो तेनुआ टोल प्लाजा पे गई। रात के करीब 8 बजे एक हरियाणा के नंबर की ट्रक आती हुई दिखी, उसे रोका गया। उसमें जब उससे पूछा गया तो उसने पेपर तो दिखा दिए, लेकिन वो ये नहीं कबूल कर रहा था कि उसमें सुपारी कैसी है। तो फिर जब दबाव दिया गया तो उसने सैंपल निकाला, सैंपल देखा रेड कलर के, आप देख ही चुके हैं, तो उस सैंपल से पता चलता है कि वो इंडियन सुपारी नहीं, चूँकि इंडियन सुपारी जो होती है वो शिवलिंग की तरह की होती है और साइज़ में बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन ये जो विदेशी सुपारी है साइज़ में बड़ी होती है, इसका कलर भी अलग होता है, टेक्स्चर भी अलग होता है, ठीक है। और ये जो सुपारियाँ होती हैं जो फॉरेन से आती हैं, इनकी सुपारी की वैल्यू जो होती है वो 130 रुपये 140 रुपये ऐसी होती है, जबकि हमारे इंडिया की सुपारी जो होती है वो 250 से 300 रुपये किलो मिलती है। फॉरेन से ये लोग सुपारी मंगाते हैं, इसको स्टोर करते हैं, स्टोर करके फिर जो है इसको और विभिन्न भागों में बेचते हैं और कस्टम ड्यूटी की चोरी करते हैं। इससे भारत सरकार को हर साल लगभग 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान राजस्व का बना रहता है। तो इस वजह से इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ताकि आने जो आसाम में जो किसान वगैरह उनको कोई समस्या। अच्छा, आसाम से ही क्यों आती है? क्योंकि आसाम जो है गुवाहाटी, वो बॉर्डर से लगभग 400-500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आसाम में सुपारी की खेती सबसे ज़्यादा, मतलब बहुतायत होती है, तो इन लोग म्यांमार से बर्मा से सुपारियों को ले आते हैं और गुवाहाटी के जो गोदाम है उनमें रखते हैं, और जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो उसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ट्रक में लाते हैं, दिल्ली, कानपुर, महाराष्ट्र, यहाँ हर जगहों पर भेजते हैं। और पूछे जाने पर या जब कोई केस बुक होता है तो यही कहते हैं कि हमारी सुपारी इंडिया की है, गुवाहाटी में ज़्यादा से ज़्यादा सुपारी थे, लेकिन जब टेक्स्चर की बात होती है तब इन लोग परेशान हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग यह काम कर रहे हैं और सुपारी के इंटरनेशनल जो स्मगलिंग हो रही है उसको रोकने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, और अभी तक 7 महीने इस वित्तीय वर्ष में हुए हैं, लेकिन लगभग 12 करोड़ रुपए की विदेशी सुपारी पकड़ी जा चुकी है। यह अभियान अभी भी जारी है और जब तक इधर से पूरी तरह से सुपारी के तस्करों पर लगाम नहीं लगा दी जाएगी, तब तक इस अभियान को इसी तरह जोर शोर से चलाया जाएगा।